हाय गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और संडे का मतलब होता है फंडे। तो आज लर्न डे के साथ स्टार्ट हुआ मेरा। सुबह 8 बजे से एक ट्रेनिंग था तो वो ख़त्म हो गया लगभग 10 बजे 9:30 बजे। अभी 10:30 बज रहा है तो मैं आ गया हूँ बाहर अकेले। तो कुछ मैडम को सामान मैं उन्होंने बताया कुछ किचन का सामान है हल्का फुल्का तो वो लेके जा रहा हूँ। बच्चे का स्कूल छुट्टी तो इन्जॉय कर रहे हैं तो उनके लिए लेके जा रहा हूँ मैगी और क्या क्या टॉफ़ी वगैरह मैडम ने बताया। तो चलिए बिकॉज 11 बजे से मेरा और मैडम का एक और सेशन है तो उसके पहले जल्दी ये कंप्लीट करना और चलते हैं फिर मार्केट में। चलिए और ये इसके अरबी के साठ भैया बीन्स भी दे देना। तो ले लिया मैगी और सोया मिनी चंक्स। चलिए अब चलते घर। अरे अच्छा अभी लेना है पॉपकॉर्न और कुछ टॉफीज बच्चों के लिए और मैडम के लिए भी। चलिए मिल गया। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो श्रेया चली गई है नेल एक्सटेंशन जो उन्होंने करवाया था उसको रिमूव करने के लिए। हाँ अचानक जाना पड़ा क्योंकि कल श्रेया और चिंपू जा रही है वेस्ट बंगाल। कुछ घर पे अर्जेंसी आ गया तो उनको तुरंत जाना पड़ा वेस्ट बंगाल। मैं नहीं जा पा रहा हूँ और चंपक भी नहीं जा पा रही क्योंकि चंपक का भी एग्ज़ाम चल रहा है। और श्रेया ने बात किया था कि मैम कुछ घर पे अर्जेंसी आ गई है तो हम जा सकते हैं क्योंकि इनका हाफ ईयरली एग्ज़ाम है। तो मैम ने भी अभी अलाउ नहीं किया नहीं तो वो एग्ज़ाम मतलब मार्क्स वगैरह में फाइनल में दिक्कत आ जाएगी। तो मैं और चंपक अभी यहीं पर है और श्रेया कल जाएगी। टिकट वगैरह हो गया है तो बस मैं गाड़ी में क्यों हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन एकदम 2% चार्ज था और मैं सोचा कि घर क्यों जाऊँ तो मैं यहीं पर गाड़ी में चार्जिंग में लगा के रखा हूँ। तो उनको आधा घंटा लगेगा अभी श्रेया को तो जैसे उनका हो जाएगा फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो कुछ छोटा मोटा काम है क्योंकि कल जाना है तो कुछ छोटे मोटे चीज़ भी लेने हैं उनके लिए। सो मैं और चंपक भी जाऊँगा लगभग 6-7 दिन के बाद कि तब तक इनका एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएगा और फिर हम लोग जाएंगे और फिर आएंगे उधर से एक साथ ही। तो चलिए फिर जैसे श्रेया का कॉल आ जाएगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा तब तक चार्ज भी हो जाएगा मेरा फ़ोन का। गुड मॉर्निंग। तो आज है मंडे मॉर्निंग और एग्ज़ाम है। आज चिंपू नहीं जा रही है क्योंकि चिंपू जा रही है वेस्ट बंगाल मैडम के साथ। आज हम लोग भी जाएंगे। हम लोगों का टिकट हो गया। हम लोग गाड़ी लेके आए अभी क्यों क्योंकि स्कूल जाना है कुछ छोटा मोटा काम है क्योंकि चिंपू कुछ दिन रहेगी नहीं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेना है वहाँ से। एग्जाम तो भालो करे हाँ हमरा एखन स्कूल जा छी। तुम कोथाई जा छ तुम ओदिके एकटू दूरे जाओ देखते पाओ जाछ ना। बाबू मानपुर जा रहे हो कौन कौन? मम्मी और मां। आप और मम्मी और पापा और दीदी बाद में चलो और की अच्छे हाथे ये देखिए रेडी हो गए हम लोग। अब 10 बजे निकलना है घर से और अभी बज गया है 9:45। চলে চলে দেখো কত বড় আমি যাবো আমি আসি দিদি ভাইকে নিয়ে ধরো ঠিক হবে যাবে না যা। হ্যাঁ चिंपू और श्रेया को ड्रॉप कर दिया एयरपोर्ट पे और मैं जा रहा हूँ बैक। और बेसिकली अभी
चौंपो तो स्कूल गई है, देखते हैं अगर मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा तो मैं स्टॉपेज में चले जाऊंगा लेने के लिए, नहीं तो पापा है घर पे। तो चलिए, सो मैं जल्दी आ गया थोड़ा सा, एक घंटा पहले, तो अब मैं ही लेके आऊंगा चौंपो को। चलिए घर पे चलते हैं अकेला अकेला। सो फ्रेंड्स, आ गया हूँ घर, और घर आते ही मतलब अजीब सा लग रहा है, जैसे बोलते हैं ना सूना सूना सा, अधूरा सा, कुछ मिसिंग है घर पे बिल्कुल। तो श्रेया और चिंपू चले गई है, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अकेले जाना पड़ा श्रेया को अचानक। कल फ्लाइट का टिकट हमने काटा, मतलब मैं और श्रेया जब भी कभी भी बाहर जाते हैं या कोई मार्केट में जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा हर जगह साथ साथ होते हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसे कि उनको जाना पड़ा, बट कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। और चिंपू भी रो रही थी जाने के टाइम, उनको पता चल गया था कि पापा नहीं जा रहे, बट किसी तरीके से मतलब उनको बोलते हैं ना कि सांत्वना दे के कि हाँ चिंपू मैं जा रहा हूँ, मैं भी आऊंगा, गिफ्ट्स लेके आऊंगा, मतलब वैसे ही बच्चे क्या कर सकते हैं। चिंपू और चौंपोक दोनों का ही मतलब होता है ना बच्चे कि वो हमेशा देखना चाहते हैं पापा मम्मी के साथ रहें, एक साथ रहें। सो पहले हम लोगों ने डिसाइड यही किया था कि मैं, श्रेया और चिंपू तीनों हम लोग जाएंगे, और चौंपोक को यहाँ पर रहना पड़ेगा क्योंकि उनका एग्जाम चल रहा है, हाफ ईयरली एग्जाम है, और दिक्कत आई है। हमने मैम से भी बात किया था तो कोई उपाय नहीं बना जाने का छुट्टी का, तो बस वही है। बट फिर हमें लगा, मैंने और श्रेया ने सोचा कि नहीं नहीं यहाँ पर, क्योंकि बच्ची का एक तो एग्जाम है और वो ऐसे ही चौंपक थोड़ा सा इमोशनल है और वो अंदर ही अंदर घुटती रहती है, बताती भी नहीं है। फिर हमने सोचा कि नहीं, एटलीस्ट मैं यहाँ पर रह जाता हूँ, क्योंकि एक तो उनका एग्जाम है, मेंटल सपोर्ट भी रहेगा, और उनको लगेगा कि चलो एटलीस्ट पापा यहाँ पर रह गए मेरे साथ। सो लाइफ है, क्या कर सकते हैं, बहुत सारे चीज अपने हाथ में होता नहीं है, बहुत सारे चीज अपने हाथ में होता है, अब सिचुएशन जैसे चलता है उसको वैसे ही हैंडल करना पड़ता है। तो चौंपक का आने का टाइम हो गया, देखते हैं कैसा क्या एग्जाम और ये सारा चीज़, और उनको भी थोड़ा सा मोटिवेट करके रखना पड़ेगा कि बेटा हम लोग भी 4 दिन बाद जा रहे हैं, मम्मी के साथ ऐसे होगा, चिंपू के साथ हम लोग बात करेंगे, हम लोग गिफ्ट कर देंगे, चलो। तो इस तरह से मतलब रखना पड़ेगा, बच्ची है क्या कर सकते हैं। क्या उन्होंने बोलेखा, कैसे हुआ एग्जाम? बहुत बढ़िया। और क्या आपने बताया, क्या स्कूल में डांस, मतलब डांस असेंबली में डांस होता है ना, उसमें मैं सिलेक्ट हुआ। वाओ, असेंबली में डांस में सिलेक्ट, मतलब हर बार जैसे असेंबली होता है ना उसमें कोई ना कोई डांस करता है, इस बार मैं करूंगी। वाह, तो अभी कब होगा, अभी डेट वगैरह नहीं बताया, लेकिन बहुत सारे असेंबली होते हैं। चलो बढ़िया, चलो रेस्ट करो, है ना। तो चौंपक और मेरा प्लानिंग हो गया कि कैसे कैसे बैग पैकिंग होगा हम लोगों का, है ना, और ये बोल रहे कि रील्स बनाएंगे, तो वो सारा चीज अभी चल रहा है डिस्कशन हम लोगों का, है ना। और चिंपू से बात हो गया? हाँ, चिंपू से भी बात हो गया, चिंपू से, और भी इनका कुछ चैलेंज वगैरह लगा है चिंपू से, तो करेंगे अभी, है ना। अभी मैम आ जाएगी, अभी एक्चुअली लंच करके इनकी ट्यूशन मैम आ जाएगी, तो वो पढ़ाई हो जाए उसके बाद फिर बात करते हैं हम लोग, है ना। सो लंच टाइम हम लोगों का, है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी से खा लेना है, अभी मैम आ जाएगी तो थोड़ा सा हड़बड़ी हो जाएगा। उन्होंने भी बोला कि आप मम्मी के जैसा राजमा बना सकते हो, बोला कि मैं हाजमा बना दूंगा, मैं राजमा नहीं। अच्छा, और अच्छी बात है कि अभी फ्लाइट मतलब, और अच्छी बात है कि अभी श्रेया का बोर्डिंग मतलब हो गया वहाँ पर, मतलब अभी लाइन में खड़ी हो गई है, गेट में एंट्री गेट है, थोड़ा सा टेंशन हो रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम अकेले जा रही है फ्लाइट में, तो उनको लग रहा था कि कैसे होगा, किस तरीके से होगा, क्या होगा, तो सब हो गया ऑटोमेटिक। मैंने बोला कि घबराई मत, एकदम स्टेप वैसे ही जैसे हम लोग साथ में गए थे फॉलो किया था फ्लाइट में, वैसे ही फॉलो करना है, तो हो गया सब कुछ। तो बस और 1.5 घंटे में पहुँच जाएगी वहाँ पर, फिर बात करते हैं। बात क्या करते हैं, बात तो अभी मैम के बाद हम लोग करेंगे बात, इनका कुछ मैसेज है चिंपू को जो वो देगी। गुड इवनिंग। तो मैं एज यूजुअल शाम को नहीं बोलूंगा, दोपहर को मैं पावर नैप ले रहा था इनका जब ट्यूशन चल रहा था, है ना। और श्रेया जब इस टाइम रहती है तो उनका भी वैसे ही चलता है, एकदम अच्छा सा नींद चलता है, बट आज उनको जाना पड़ा, और भी वो शायद लैंड भी कर गई होगी, हमने बात नहीं किया है। तो इनका ट्यूशन खत्म हुआ और मेरे पास आई, मैं बोला कि चलो बेटा इसको क्लोज करते हैं ब्लॉग को, और कुछ मतलब जैसे मैंने बताया ना, कुछ अधूरा सा सुना सुना सा लग रहा है, क्योंकि जब श्रेया और चिंपू रहती है तो चिंपू और इनका नोकझोंक चलता रहता, तो घर मेरी बहन तो जब भी टीवी ऑन होते दीदी पहले मेरा फेवरेट लगा, बिल्कुल, तो घर हरा भरा लगता है उस टाइम। और एक श्रेया का फोन आ रहा है, तो मैं फोन पिक करके आपसे बात करता हूँ। सो बात हो गई है, वो लोग पहुँच गए वहाँ पर, तो अभी गाड़ी में है, मतलब एयरपोर्ट से अब घर जा रही है, बस पहुँच जाएगी आधे घंटे में। मिस कर रहे हो आप? मैं वही बोल रहा था कि नॉर्मली क्या होता है ना कि जब घर पे रहते हैं इन दोनों का लड़ाई चलता रहता है हल्का फुल्का, बट फिर भी घर हरा भरा थोड़ा सा रहता है ना, मतलब जब चॉकलेट लाते हैं या अगर दीदी का नहीं लाया ऐसे तोड़ के, या फिर
थोड़ा सा खा के। हाँ, मतलब लड़ाई तो होगा बट किसी एक के लिए कुछ हम लोग लाते नहीं, अगर कभी एक को दिया तो वो तोड़ के फिर दूसरे को भी देगी, तो ये चीज है। और बाकी मम्मी को बहुत मिस कर, हम लोग मिस कर रहे हैं आपको, दोनों ही मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। नहीं नहीं मिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी जा रहे हैं आपके पास, है ना। मिस तो कर ही रहे हैं बट हम लोग जा रहे हैं बहुत जल्दी आपके पास। और ये इनका कुछ मैसेज है चिंपू के लिए कुछ। हाँ, चिंपू आप बंगाली में बोल सकते हो क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों का ब्लॉग तो हिंदी में है बट ये इनका कनेक्शन ज़्यादा चिंपू के साथ बंगाली में ये बात करते रहती है, तो आप बंगाली में उनको मैसेज दे सकते हो, उनको वो सुन रही होगी अभी। চিম্পু আমি তোমাকে অনেক মিস করছি আর তার সাথে তুমি ওখানে আমাকে মিস করো না, এই জন্য যে তোমাকেও মানে তোমার জন্য আমি আর ড্যাড একটা দারুণ সারপ্রাইজ প্ল্যান করেছি। সারপ্রাইজ ये मेरे लिए भी सरप्राइज हो गया कि हम लोग सरप्राइज प्लान किए। हां हाफ नहीं तो ठीक है, चलिए कुछ प्लान करते हैं फिर सरप्राइज। मैंने चिंपू को ऐसे जाने के टाइम बोला था कि हम वो गिफ्ट बोलती है, गिफ्ट को गिफ्ट बोलती है, मैंने बोला कि हम आपके लिए गिफ्ट लेके जाएंगे, मैं आप दीदी पसंद करके गिफ्ट लेके जाएंगे। और ये मम्मी को बोल रही हूँ माँ तुम्हें हमें एकदम मिस करना, ओखाने मिमिर ख्याल रख। बिल्कुल भी गर्ल हो गई है, तो अभी क्या दिक्कत आ गई थी, क्यों श्रेया को अचानक जाना पड़ा, वो हम लोग वहाँ पर जाएंगे एक वीक के बाद, हम लोग का भी फ्लाइट है जाने का, तो फिर श्रेया आपको अच्छे से बता पाएगी कि क्या है कैसे क्यों हमें जाना पड़ा वहाँ पर, मतलब श्रेया क्यों वहाँ पर अचानक चली गई और एक ही दिन में हम लोगों को फ्लाइट का करके ये सारा चीज़ हम लोगों को बहुत इमीडिएटली करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए इस ब्लॉग को और बड़ा नहीं करते हैं, तो क्लोज करते हैं इस ब्लॉग को। और कल है इनका छुट्टी, तो कल हम लोगों का कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट का प्लान किया है, ब्रेकफास्ट है, शॉपिंग करना, अच्छा शॉपिंग भी है, तो हमने बोला है कि चलो हम लोग जब घर जाएंगे उससे पहले छोटा छोटा आपका शॉपिंग करेंगे, तो हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं शॉपिंग, है ना, कल छुट्टी भी है, छुट्टी छुट्टी के दिन हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव ए नाइस नाइस डे।